एम डी एस यूनिवर्सिटी अजमेर के बी ए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल से आपको हमने पिछले लेक्चर नंबर एक लिया था, हम भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ रहे थे और उसमें हम कल गुटनिरपेक्षता के विषय में बात कर रहे थे और 1977 तक हम आ गए थे। देखिए, विदेश नीति में राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा एक अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम यहाँ से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। 75 में जब देश में आपातकाल लगा, उसके बाद 77 में जब देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन चुनावों के बाद देश में एक गठबंधन जिसको जनता पार्टी का नाम दिया गया, इसमें चार मुख्य दल शामिल थे, वो एक अलायंस था, वो सत्ता में आता है। मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री। आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और विदेश सचिव, ये तीन व्यक्ति देश की फॉरेन पॉलिसी की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं। कभी आप दिल्ली जाकर देखें तो साउथ ब्लॉक विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक ढांचा है, वहाँ आपको दुनिया भर के अधिकारी मंत्री मिलेंगे इस विषय में काम करते हुए, जो फॉरेन पॉलिसी की दिशा और दशा तय करते हैं। 77 में जब वाजपेयी विदेश मंत्री बने हैं और मोरारजी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस समय एक नया शब्द दिया गया, वास्तविक गुटनिरपेक्षता। और इसकी व्याख्या की गई, जो वाजपेयी ने कहा विदेश मंत्री के रूप में, कि इसका अर्थ असंलग्नता नहीं है, बल्कि इसका आशय है सर्व संलग्नता। उन्होंने स्पष्ट किया अपने इस बयान के माध्यम से कि गुटनिरपेक्षता का आशय ये नहीं है कि आप किसी भी समूह में शामिल ना हो, एकदम अलग थलग पड़ जाएं, बल्कि उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम दोनों ही जो शक्ति गुट हैं उनसे ताल्लुकात रखेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, और यदि कभी ऐसी स्थिति आई कि दोनों की ही आलोचना का बिंदु आया तो दोनों की खुलकर आलोचना भर्सना भी की जाए। और उस दौरान भारत की तरफ से उन देशों की यात्राएं भी हुई जिन देशों में भारत पहले कभी नहीं गया या जिनसे संबंध पहले बहुत तनावपूर्ण रहे। विदेशी भी जो देशों के प्रतिनिधि भारत में भी आए, पर ये सरकार केवल 2 साल में चली गई थी, 1979 में, और 1980 में मिसेस गांधी दोबारा मध्यावधि चुनाव के बाद देश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और फिर भारत की विदेश नीति में एक बड़ा ट्विस्ट आता है गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में भी। आपने कई बार टेलीविज़न वगैरह पर किसी पुरानी क्लिपिंग में देखा होगा, ये बात 1983 की है, गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जिसको हम कह सकते हैं, समिट, SUMMIT, समिट का आशय होता है शिखर सम्मेलन, जिसमें विभिन्न देशों के जो शिखर व्यक्ति हैं, कहीं राष्ट्रपति हो सकता है, कहीं प्रधानमंत्री हो सकता है, वो मिलते हैं। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और उसमें श्रीमती गांधी को 3 साल के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया। और इस अधिवेशन में विकासशील और विकसित देशों के संबंधों को लेकर बड़ी खुलकर चर्चा हुई, बड़े स्पष्ट विचार रखे गए और गुटनिरपेक्ष देशों की योजनाएं तय की गईं। आप ध्यान रखें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है, इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा देश शामिल हैं। दूसरी बात, अधिकांश देश विकासशील हैं या अर्धविकसित हैं, लेकिन कच्चे माल के स्रोत हैं और बाजार हैं। तो यदि ये उत्तर दक्षिण संवाद, जिसको आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नॉर्थ साउथ टॉक, नॉर्थ का अर्थ है विकसित और तकनीकी संपन्न राष्ट्र, और साउथ का आशय है कि जो आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, वो यदि ये संवाद नहीं होगा दुनिया पिछड़ जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत की गई, हालांकि दुर्भाग्य ये रहा कि इसके एक बरस के बाद ही 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या कर दी गई, सत्ता बदली, और उसके बाद से गुटनिरपेक्षता की नीति में कुछ नए तेज बदलाव आने शुरू हुए। हालांकि हम लगातार इसके मेंबर रहे हैं, अपनी बात पर कायम रहे हैं, अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा है, लेकिन 1990 में जब सोवियत संघ का पराभव होता है, 90 के आखिरी में, 91 की शुरुआत आप कह सकते हैं, उसके बाद से अब क्योंकि शीतयुद्ध समाप्त हो गया,
ऐसा कहा गया कि भाई ये शीतु दो महाशक्तियों के बीच में था, उनमें से एक ध्रुव अलग हट गया या हार गया या बैठ गया, आप कुछ भी कहें, भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई ऐसा कहा जाने लगा, और एक ही ध्रुव है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी होने शुरू हुई कि अब क्या गुणनिरपेक्षता के कोई मायने बचे हैं, क्योंकि आप याद करें गुणनिरपेक्षता की शुरुआत ही इसलिए की गई थी कि इस शक्ति जो राजनीति है दो ध्रुवों की इससे दूर रहा जाए, जब वही खत्म हो गई तो अब इसका औचित्य क्या। लेकिन आने वाले समय में इसकी उपयोगिता और लगातार बढ़ती गई। मैं आपको उदाहरण दूँ, भारत ने इसके बाद लगातार गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी पकड़ बनाई है, अपना प्रभाव कायम रखा है, और विकसित और विकासशील देशों के बीच में ये हमारी विदेश नीति का एक अलग चरण आप मान सकते हैं, अगला एक बिंदु मान सकते हैं कि हमने विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में एक धुरी बनाने का कार्य किया है। आप जैसे देखिए सार्क या आप देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, हम इसमें एक बड़ी ताकत हैं, आर्थिक भी राजनीतिक भी और एक भौगोलिक भी, और जनसंख्या की तो है, तो हमारी बात वजन रखती है चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो या दुनिया के अन्य देशों में। तो भारत ने अपने इस क्षमता का प्रयोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लाभ दिलाने में और खुद भी लेने में अनेक बार किया है और सफल रूप से किया है। अगला बिंदु आप देखें कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये बड़ी देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है। दो शब्दों का समुच्चय है ये, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी आप शांति से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें। हो सकता है आप पर नज़दीकी राष्ट्र जो है बहुत ताकतवर है आपसे, आकार की दृष्टि में आकार में बड़ा है, क्षमताओं में बड़ा है, लेकिन उसे इस बिना पर कोई आक्रामक कार्रवाई करने का मौका नहीं मिल जाता, अवसर नहीं मिल जाता। वही चीज़ यहाँ पर है कि भारत इस बिंदु पर कायम रहा है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। और आप ध्यान रखें, स्टालिन ने शुरुआत में दी थी थियोरी, जब वर्ल्ड शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था, कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दुनिया में संभव है। भारत की विदेश नीति में आपको इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई देंगे। अगले बिंदु पर आए, वर्तमान में स्पेशली 1991 के बाद से जब ये कहना शुरू किया गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी उपयोगिता खो चुका है क्योंकि इसके होने का कारण खत्म हो गया है, जो दो महाशक्तियाँ थीं वो आगे पीछे हट चुकी हैं और अब तो उनमें अच्छे संबंध हैं। आप अभी भी देखिए रूस और सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, यूरोप के देश बहुत अच्छे संबंध हैं आपस में। अब इन परिस्थितियों में यदि चीज़ें सामने आती हैं तो वो टकराव से बचने के जो अवसर हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो देश बिखर सकता है, राष्ट्र की योजनाएं और नीतियां किसी और किनारे जा सकती हैं। जैसे आप एक और बिंदु देखें, आप देखिए 1998 के बाद से विदेश नीति का हमारा अगला पड़ाव है, 1998 के बाद से भारत की विदेश नीति में कुछ आक्रामकता दिखाई दी है, और आप यदि पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि अब हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और जब आप फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो या तो गेंद ग्राउंड से बाहर जाती है या आप स्टंप होते हैं। स्टंप तो कोई होना चाहेगा नहीं, यही कोशिश करेगा कि गेंद बाउंड्री से बाहर जाए, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे सार्क का मुद्दा हो, भारत अब आक्रामक है। ये इस बात को साबित करता है कि हम अपनी ताकत के माध्यम से विश्व के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हम हमेशा पीछे हटने की मुद्रा में नहीं रहेंगे। 98 में जब परमाणु परीक्षण हमने किए, दुनिया भर के पदपद हम पर लगे, देशों ने लगाए और ये कहा कि गुटनिरपेक्षता किस बात की, आपने जब कहा है कि आप परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, और देखिए आपने परीक्षण किया, आपने हथियार बनाए और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आज की तारीख में है। पर उन्हीं देशों ने बाद में हमें सहायता दी, प्रतिबंध हटाए और हमारे पक्ष में खड़े हुए, ये भारत की जीत बनी जा सकती है। और इसके कुछ और आयाम भी हैं, वर्तमान जो विदेश नीति है उसकी बात हम आपसे कल करेंगे।